मार्केट में लॉन्च हो चुका है एक नए तरीके का जीरो ब्रोकरेज ऐप, लेकिन आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्लिंकएच जो है ये क्या वाकई में एक जीरो ब्रोकरेज ऐप है, और अगर है तो किस हद तक है, यानी कि किस किस सेगमेंट्स में आपको जीरो ब्रोकरेज यहाँ पर मिल जाने वाला है और किस सेगमेंट में आपको जीरो ब्रोकरेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके साथ आप इस एप्लीकेशन के डिटेल में सारे चार्जेस को कवर करेंगे, जहाँ पर डिलीवरी के, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस के सारे चार्जेस बताऊंगा, इनके कौन कौन से सब्सक्रिप्शन प्लान है वो बताऊंगा, और इससे भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा प्ले स्टोर पर इनके कुछ कमेंट्स को पढ़ करके जो रिव्यूज हैं, जो इनके यूजर्स ने रिव्यू किया है इसको, उन रिव्यूज को पढ़ करके बताऊंगा, ताकि उससे पता चले कि लोग इस एप्लीकेशन के बारे में क्या अपनी राय दे रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं JM फाइनेंशियल ग्रुप के इस एप्लीकेशन ब्लिंकएक्स के सेबी रजिस्टर होने के स्टेटस के बारे में। तो गाइस ये जो एप्लीकेशन है ब्लिंकएक्स, एक्चुअली ये ब्लिंकएक्स नाम से कोई कंपनी नहीं है, कंपनी है इसके पीछे JM फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो एक जाना माना ग्रुप है इंडिया में, और फाइनेंशियल सर्विसेज ये काफी टाइम से पहले से प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है और जो दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज है PMS वगैरह, वो सारी सर्विसेज ये पहले से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है ट्रेडिंग के लिए, इसका नाम है ब्लिंकएक्स। अब ये ब्लिंकएक्स ऐप एक तरीके से हो गया JM फाइनेंशियल की बैकिंग से। अब इस ऐप के चार्जेस क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो चार्जेस बता रहे हैं, इनके दो बेसिकली सब्सक्रिप्शन प्लान से दे रहे हैं। एक प्लान है यहाँ पर 199 रुपीज का, और दूसरा सब्सक्रिप्शन प्लान है 799 रुपीज का, जो अगर आप लेते हैं तो आपके ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो जीरो हो जाते हैं। अगर आप इनको नहीं लेते हैं तो क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप इन ब्रोकरेज प्लान, इन सब्सक्रिप्शन प्लान को ले लेते हो 199 को और 799 को, तो कितने कितने टाइम तक आपको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है। सबसे पहले समझते हैं 199 के प्लान को। तो 199 के प्लान में आपको 2 महीने के लिए जीरो ब्रोकरेज सर्विस मिलती है। जीरो ब्रोकरेज का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको डिलीवरी फ्री मिल जाएगी, इसके अलावा आप सभी तरीके के इंटरनेट ट्रेड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा NSE पर, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, अगर आप कोई फ्यूचर या ऑप्शंस का ट्रेड लेते हो तो वहां पर आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है, और इसके साथ साथ करेंसी भी आपको फ्री मिल जाएगी। ये हो गया 199 रुपीज का अगर आप प्लान लेते हैं, तो ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी 2 महीने के लिए फ्री, यानी कि आपके जो ब्रोकरेजेस है सभी कैटेगरी में वो 2 महीने के लिए फ्री हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज जो आपको फ्री नहीं मिल रही है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि जो इनका दूसरा सब्सक्रिप्शन प्लान है 799 रुपीज का, उसमें आपको 6 महीने के लिए सारी सर्विसेज फ्री मिल जाती है। क्या? इंट्राडे आपको डिलीवरी फ्री मिल जाएगी, इक्विटी इंट्राडे की ट्रेडिंग फ्री मिल जाएगी, इसके अलावा NSE पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग फ्री मिल जाएगी, और करेंसी की ट्रेडिंग फ्री मिल जाएगी। इन सब कैटेगरीज में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। 799 रुपीज प्लान लेते हो तो 6 महीने तक, और 199 का प्लान लेते हो तो 2 महीने तक। अब इसके अलावा यहाँ पर जो चीज आती है, आपको इसी प्लांट्स के अंदर फ्री रिसर्च कॉल्स भी मिलती है, यानी कि आपको एक कॉल करके बताते हैं कि इन स्टॉक्स में या इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो ये आपको रिसर्च टिप्स वगैरह भी यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलने वाली है। अब ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन प्लान, अगर यानी कि आप ये 199 रुपीज और 799 रुपीज देते हो तो आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते ही नहीं हो तो आपको क्या फ्री ब्रोकरेज मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान को नहीं लेते हो तो आपको ब्रोकरेज जो है वो फ्री नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर 20 रुपीज का ब्रोकरेज देना पड़ता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्लैट केस में, लेकिन इसमें एक और कैच है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जहाँ पर हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको एक कमेंट पढ़वाऊंगा जिसमें मुझे कुछ और शॉकिंग चीज जानने को मिली थी। तो यहाँ पर फिलहाल जो मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल करके मालूम किया, वो उन्होंने मुझे बताया कि फ्लैट 20 रुपीज आपको ऑप्शन में पे करना पड़ता है अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लेते हो। डिलीवरी में आपको 0.25% का, यानी कि एक काफी अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया, 0.25% का आपको डिलीवरी में ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, और इसी तरीके से आपको इंट्राडे में 20 रुपीज का ब्रोकरेज यहाँ पर लगने वाला है। तो एक तरीके से काफी ज्यादा ब्रोकरेज हो गया। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप प्लान ले भी लेते हो, सब्सक्रिप्शन प्लान भी अगर आप ले लेते हो, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर करेंसी तो फ्री मिल जाती है, करेंसी की ट्रेडिंग, तो कमोडिटी की ट्रेडिंग आपको फ्री नहीं मिलेगी, और साथ साथ अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर BSE पर F&O ट्रेड करोगे तो वो भी आपको ब्रोकरेज वहां पर फ्री नहीं मिलेगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको इन 199 और 799 रुपीज के ब्रोकरेज प्लान्स, सब्सक्रिप्शन प्लान्स के अंदर ब्रोकरेज फ्री मिलता है सिर्फ NSE पे और करेंसी में। अगर आप BSE पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर F&O ट्रेड करोगे तो वहां आपको ब्रोकरेज फ्री नहीं मिलेगा, और साथ साथ MCX पर जो भी ट्रेडिंग आप करोगे कमोडिटी की, उसमें भी आपको ब्रोकरेज फ्री नहीं मिलने वाला, यानी कि ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ तक हमने चार्जेस को तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्ले स्टोर पर कमेंट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं।
यहाँ पर ये वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ कमेंट्स को पढ़ाया, जहाँ पर मैं 5-स्टार कमेंट्स भी पढ़वाऊंगा और 1-स्टार कमेंट्स भी पढ़ाऊंगा, ताकि कुछ फायदों के बारे में पता चल सके और कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में पता चल सके। कमेंट्स जो मैंने इंक्लूड किए हैं वो कोशिश ये करी है कि जो भी कमेंट मैं आपको बताऊं वो रिपीटेटिव कमेंट हो, यानी कि उस पॉइंट के बारे में बार बार बात की जा रही हो, वो कमेंट्स को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। इनके जो कस्टमर केयर के नंबर है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बता भी देता हूँ, 0224581222, ये इनका कस्टमर केयर का नंबर है। आप खुद कॉल करके, मैंने भी कॉल किया था वीडियो बनाने से पहले, ताकि मैं कुछ रिसर्च कर सकूँ, कुछ चीज़ों को फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर सकूँ, और उसके बाद ही आपको ये जो है वीडियो मैं आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर हमको वीडियो पसंद आया यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बढ़ते हैं पहले कमेंट की तरफ, यहाँ पर बात करते हैं कस्टमर सर्विस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर राहुल कुमार कह रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राहुल कुमार बात कर रहे हैं कस्टमर सर्विस के बारे में, कह रहे हैं एक्सीलेंट है। यहाँ पर 5-स्टार कमेंट्स को हम पहले पढ़ रहे हैं, 1-स्टार कमेंट्स को उसके बाद पढ़ेंगे। कस्टमर सर्विस इज एक्सीलेंट एंड फीचर्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओवरऑल एक्सपीरियंस इज टू गुड, हाईली रिकमेंडेड ऐप एंड द बेस्ट थिंग गुड कस्टमर सपोर्ट, दे ऑलवेज रिजॉल्व ऑल क्वेरी। तो कस्टमर सपोर्ट को क्योंकि मैंने खुद भी चेक किया, तो मुझे मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा कि हाँ, कस्टमर मैंने जिसको कॉल किया बंदे को, तो कॉल भी तुरंत उठा लिया गया था और क्वालिटी रेजोल्यूशन भी उसने मुझे दिया, यानी कि टाइम भी कम लगा और उसने मुझे सारी चीजें खुद से बता भी दी, उसने किसी से पूछा नहीं, तो वो वेल ट्रेंड था वो बंदा। अब यहाँ पर एक दूसरा कमेंट पढ़ते हैं हम, राजेश दशोरा जी का, ये रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस के बारे में कह रहे हैं, थैंक यू ब्लिंकएक्स फॉर नाइस सपोर्ट एंड सर्विस, नाइस सपोर्ट और सर्विस के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। ब्लिंकएक्स ऐप कंसिस्ट ऑफ गुड चार्ट्स एंड ऑल फीचर्स इन वन प्लेटफॉर्म लाइक टेक्निकल फंडामेंटल ऑप्शन चेन, ये सारी चीजें आपको एक ऐप के अंदर मिल रही है, रिसर्च एंड रिकमेंडेशन भी मिल रही है, ये कह रहे हैं रिसर्च एंड रिकमेंडेशन भी आपको मिल रही है, ओवरऑल नाइस ऐप फॉर ट्रेडिंग विद जीरो ब्रोकरेज। हालांकि जीरो ब्रोकरेज की मैं कुछ क्लॉजेस जो है वो आपको मैंने अभी बताए, तो वो कुछ हिडन चीजें नहीं है, वो इनकी वेबसाइट पर भी मैंने ये सर्च करने की कोशिश करी लेकिन वहां पर नहीं मिली, अगर कस्टमर केयर से मैंने जब पूछा तो उन्होंने ये चीजें मेरे को क्लियरली खुल करके बताई थी। यहाँ पर बात करते हैं थर्ड हमारे कमेंट के बारे में, जो कि अंकित सिंह का कमेंट है। अंकित सिंह जी ने यहाँ पर काफी डिटेल में इनके फीचर्स के बारे में बताया, जैसे कि ये कहते हैं ब्लिंकएक्स फीचर पैक्ड ऑफ ऑल लेवल, वेदर यू आर सीजन्ड प्रो और जस्ट डिपिंग योर टोज इनटू द मार्केट, मतलब आप एक एक्सपीरियंस हो या आप नए हो, तो दोनों के लिए सही है। टूल्स दोनों के लिए है, मनी ट्रांसफर है, एडवांस चार्टिंग है, टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस चार्ट है, डैशबोर्ड स्क्रीन है, ये सब कस्टमाइजेबल, वॉच लिस्ट वगैरह है, तो ये सारी चीजें। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर 5-स्टार कमेंट्स तो पढ़वा दिए, लेकिन यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ब्लिंकएक्स के बारे में और एक डिटेल से वीडियो जानना चाहते हैं, जहाँ पर फायदे और नुकसान में सारे फीचर्स को समझाओ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा पीसी, प्रोज एंड कॉन्स का पीसी लिख दीजिएगा, ताकि उसके बेसिस पर मैं आपको और एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर सारे फायदे, सारे फीचर्स और सारे जो नुकसान है उनको समराइज करूँगा, ताकि और आपको कॉन्क्रीट जो है डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर हमने अंकित सिंह जी का कमेंट भी पढ़ लिया, हमने तीन यहाँ पर तीन 5-स्टार कमेंट्स को पढ़ लिया, अब हम कुछ 1-स्टार कमेंट्स को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई डिफेमेशन के लिए या ऐसा कुछ रीजन के लिए यहाँ पर हम इन कमेंट्स को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जेन्युइन कमेंट्स हैं जिनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है और इनकी वजह से इन चीज़ों को ब्लिंकएक्स की टीम को भी सुधार करने के लिए इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आशा आहूजा जी कह रही है, इट्स ऑलवेज स्ट्रक ड्यूरिंग स्क्वायर ऑफ एंड एंडेड इन लॉस। तो देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम है, ऐप का हैंग करना और स्क्वायर ऑफ जब करते हैं, तो ये कह रही है कि स्क्वायर ऑफ करते टाइम स्ट्रक हो जाता है एंटायर, एंड डोंट ईट पीपल प्रॉफिट डूइंग चीप थिंग्स, मतलब कह रही है कि लोगों के प्रॉफिट को थोड़ा सा नाराज होकर के शायद इस तरीके का कमेंट कर रही है। बट आशा आहूजा ये कह रही है कि स्क्वायर ऑफ करते टाइम इनका ऐप जो है हैंग कर जाता है और ये इनको लॉस बुक करना पड़ता है। यहाँ पर एक और कमेंट है जो कि मैंने आपको बताया भी था, चार्जेस जब डिस्कस कर रहे थे तो इस पॉइंट के बारे में, ये 3D बग्स का कमेंट है, कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस डू नॉट यूज दिस ऐप, इस ऐप को यूज ना करें, बिफोर कंप्लीटिंग KYC एंड अकाउंट एक्टिवेशन दे सेड दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग, यानी कि KYC और अकाउंट ओपनिंग से पहले उन्होंने कहा कोई चार्ज नहीं लेंगे, इसके बाद ये दे सेड दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग, ऑल ट्रेडर्स विल बी एब्सोल्युटली फ्री एंड देर विल बी नो चार्ज एनी ब्रोकरेज और एनीथिंग लाइक दैट, बट नाउ व्हेन अकाउंट KYC इज डन, जब अकाउंट ओपन हो गया है एंड आई ट्राई टू एक्सप्लोर ऑप्शन ट्रेडिंग, मैंने जब ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्राई किया तो वो कह रहे हैं कि वो 20 rupees पर लॉट का चार्ज करेंगे एंड दे विल होल्ड 20 rupees ब्रोकरेज एज वेल, यानी कि 20 rupees ब्रोकरेज भी लेंगे और 20 rupees पर लॉट का भी चार्ज लेंगे। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जब आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ब्रोकरेज तो रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन जो पर लॉट का चार्जेस है वो रिफंडेबल नहीं है, बट लॉट विल नॉट गेट रिफंडेड। तो ये एक अलग चीज़ मुझे यहाँ पर जानने को मिली, 3D बग्स का ये कमेंट है, शायद इसके बारे में आपका क्या राय है वो आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने जब कस्टमर केयर से कॉल करी थी तो मेरे को तो पता रहता है कि 20 rupees पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ही चार्ज लगने वाला है, लेकिन ये एक नई चीज़ यहाँ पर जानने को मिली है, हो सकता है सच है नहीं है,
वो आप भी मुझे आपका आपने अगर यूज किया तो कमेंट करके जरूर बताइए। फुल डिटेल वीडियो जानने के लिए पीसी जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ मेरा जो फेवरेट डीमैट अकाउंट है एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो भी बाकी है, एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप अकाउंट बना सकते हैं। अभी एक और कमेंट बाकी है जो कि है मिहिर रॉय का। ये कह रहे हैं इट नॉट यूजर फ्रेंडली इंट्राडे, यूजर इंट्राडे के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी नहीं है। शॉर्ट सेलिंग कांट परफॉर्म प्रॉपरली, शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। चार्ट पैटर्न नॉट यूजेबल, एप्स वेरी स्लो, ऐप बहुत स्लो है, इस तरीके की बातें यहाँ पर मिहिर रॉय कह रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मुझे देखने को मिली है, इन लोगों को देखने को मिली है, यूजर्स को, और इन्होंने कमेंट किया है। इसके अलावा कुछ फायदे भी जा रहे हैं, कुछ नुकसान भी जा रहे हैं, पीसी कमेंट कीजिएगा ताकि और डिटेल एक वीडियो लेकर आए। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर रखी है, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि हम कवर नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरा वीडियो भी हम यहाँ पर जरूर लेकर के आएंगे। तो आप पीसी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा तक, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरीके के डीमैट अकाउंट से और इन्वेस्टमेंट ऐप्स के रिव्यूज हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहते हैं। आज की वीडियो में बताएगा, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए। जय हिंद, जय भारत।